गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम क्लास सेवेंथ की महाभारत पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें भीम के बारे में पढ़ेंगे। जो पांचों पांडव थे तथा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे, खेल कूद करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, क्योंकि सारे साथ रहते थे। शरीर के बल में पांडु का जो पुत्र भीम था वो सबसे बढ़कर का था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। फिर भी भीम मन में किसी से कोई बैर भाव नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी जो दुर्योधन था और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, वो उसे जलने लगे। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ और दूसरी विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी जो पांडव थे कौरवों से आगे ही रहते थे, इससे कौरव और ज़्यादा खिंच गए। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। भीम से तो उसको जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सारे कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार देते हैं और उसके मरने पर जो है युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद कर लेंगे और बंदी बनाकर रखेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर केवल उनका ही अधिकार रहेगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने धोखे से भीम के भोजन में जहर मिला दिया। सब लोग खूब खेले, तैरे, सो थक कर सो गए। भीम को जहर के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगे के किनारे की रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से, यानी जो पेड़ की लंबी लंबी बेले टाइप होती है, उनसे हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का सिर गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर चला गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का काम तो तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का किनारा, जहां वो सब जल क्रीड़ा कर रहे थे, छान डाला, पर भीम का उन्हें कहीं भी पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल में लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम जो था झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। पर ये सब देखकर तो कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उससे कहा, दोस्त दुर्योधन, जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, परंतु कुशलता इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो और इस रूप में सबके सामने दुर्योधन की तो निंदा बिल्कुल मत करना, नहीं तो उससे उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की हम रक्षा करें और बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका दिल और ज्यादा उन पांडवों से जलने लगा।